नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ नजफगढ़ में और इन सर्द हवाओं के बीच में शीतलहर जारी है और आज नजफगढ़ के राजनीतिक तापमान बढ़ चला है। दोस्तों, जैसे ही दिल्ली नगर निगम चुनाव की आहट हुई है, राजनीतिक तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही आज नजफगढ़ में एक वाक्य आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में जो आपको नजर आ रहा है, नजफगढ़ के एक ऐसे व्यापारी हैं जो समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और अब वो खास से आम हो चले दोस्तों आम हो चले हैं। इसका मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, चेहरे का परिचय कराएंगे, आपसे बातचीत भी कराएंगे। संजय गिरधर नजफगढ़ का एक ऐसा नाम है जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लगातार आपको समाज सेवा में नजर आए हैं और अब वो राजनीतिक व्यक्तित्व बनने जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर है नजफगढ़ से कि संजय गिरधर अब आम आदमी पार्टी का दामन थामने चले हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं तालियों से जीना, वीडियो में आप देख रहे हैं। यहाँ पर नजफगढ़ के तमाम जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, नजफगढ़ के जो व्यापार और बिजनेस से जुड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और आज का दिन ये खास हो चला है नजफगढ़ की राजनीति के लिए। जर्नल वार्ड है, सभी की निगाहें नजफगढ़ वार्ड पर टिकी हुई है। संजय गिरधर ने अपना दाव चल दिया है, आम आदमी पार्टी का दामन थामने चले हैं। आइए तो सबसे पहले उनसे जुड़ लेते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं। जी संजय भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई। अभी तक हमने आपको देखा था सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, अब आप राजनीतिक व्यक्तित्व होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्यों आम आदमी पार्टी को आपने चुना? मैंने दिल्ली सरकार के कामों को देख के, श्री मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के कामों को देख के मैंने चुना कि मैं दिल्ली सरकार में ही शामिल होता हूँ। और माननीय कैलाश गहलोत मंत्री जी के नजफगढ़ के कार्यों को देखते हुए और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं पहले भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, साईं मंदिर से, गौशाला से, गुरुद्वारे से, अपने समाज से, 36 बरादरी से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस पार्टी में सेवा करूँ और नजफगढ़ शहर के लिए मैं कुछ करूँ। जी अच्छा, सबकी निगाहें भी टिकी हुई है, नजफगढ़ सामान्य वार्ड है तो तकरीबन जो आसपास के जो प्रत्याशी हैं वो जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं उन सबकी भी निगाहें हैं। आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं? टिकट तो पार्टी के ऊपर है, जो पार्टी देगी तो मैं, ये तो पार्टी के ऊपर है जी, पार्टी ने हाँ भरी है टिकट देने की, लेकिन जैसा पार्टी को ठीक लगे वो तो पार्टी के आदेश के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी में शामिल हो गया हूँ, बाकी इलेक्शन पार्टी के आदेश, पार्टी टिकट देती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। चलिए कुछ व्यापारी दिग्गज चेहरे हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, जानेंगे कि नजफगढ़ की राजनीति में किस तरह से बदलाव आ सकता है और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए संजय गिरधर का नजफगढ़ के बाजार, खासतौर से नजफगढ़ वार्ड पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। मित्तल साहब है हमारे साथ, प्रधान जी है, उनसे भी बात करेंगे। मित्तल साहब, क्या लगता है इस बार नजफगढ़ का व्यापारी एकजुट नजर आ रहा है? नजफगढ़ का व्यापारी एकजुट है, पहले भी था, आज भी है जी। और हमारी एक ही प्रार्थना है, गिरधर भाई से भी एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, और सबके सामने हम कह रहे हैं, अगर टिकट मिल गया तो गिरधर के साथ है, टिकट नहीं मिला तो भी लगता है ये गिरधर का वायदा खत्म। हमारा समर्थन है, बहुत बढ़िया। चलिए क्या लगता है इस बार नजफगढ़ के व्यापारी अपना प्रतिनिधि चाहते हैं? हाँ, अपना चाहेंगे और अपने आदमी को बुला कर चाहेंगे जी। हमारा गिरधर जो है ना, संजय गिरधर हमारा तो संजय गिरधर चेहरा चुन लिया है आपने। क्या लगता है आपको इस बार नजफगढ़ के जो व्यापारी, भारी मतों से सारे व्यापारी इनके साथ हैं, सारा समाज इनके साथ है, जितने भी यहाँ के मंदिर हैं, गौशाला है, सब इनके साथ है जी जी जी। क्या लगता है बाबूजी, आपने भी बड़ा समय देखा है नजफगढ़ की बाजार में उथल पुथल देखा है, इस बार नजफगढ़ के तमाम व्यापारी यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं? समाज के जितने भी अच्छे कार्य करते हैं वे गिरधर साहब करते हैं, ये हमने देखा है, कभी दान पुण्य देने कभी नहीं सकते और हमेशा जो है गरीब की मदद करते रहते हैं, तो ये चुनाव में खड़े हुए तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है ये, और हम सब इन्हीं के साथ जी। क्या लगता है आपको इस बार जो नजफगढ़ बाजार में यह एकजुटता दिखाई है उसका असर पड़ेगा? ये जब इतना नेता नहीं थे तो भी हर बिरादरी से जुड़े हुए हैं, हर बिरादरी के दुख सुख में काम आते हैं, हर बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और हमारे मंदिर का, गुरुद्वारे का झंडा जो इन्होंने थामा है वो बहुत ऊँचा लहराया है। इनके इनके साथ होने से हमारी सारी बिरादरी की भलाई है जी जी। अच्छा साहब, क्या लगता है आपको इस बार नजफगढ़ का पूरा व्यापारी वर्ग एकजुट होकर के यह लड़ाई लड़ रहा है अपने हकों के लिए, नजफगढ़ बाजार की समस्याओं का समाधान नजर आ रहा है आपको अपने एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में जो आपके बीच से है? संजय भाई एक ऐसा नेता है हमारा जो हर कामों में जुड़ा हुआ है,
कोई भी काम हो ये बिल्कुल अच्छी तरह काम को निभाता है। कहीं जाना हो सुख में दुख में हर जगह हाजिर रहता है ये। तो बाजार के लिए तो हमारा ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। इससे पहले बाजार का कोई ऐसा हमारा नेता नहीं बना जो हमारे काम बहुत ज्यादा काम कर सके। तो इसमें कहीं दलीय स्थिति तो दिक्कत में नहीं आएगी, जैसे भाजपा है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस अन्य, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? देखो जो नेता जो आगे आगे काम ज्यादा करेगा हमारा बिल्कुल जो बाजार का है काम है, कोई ऐसा नेता हमारा नहीं आया जो मतलब हमारा बाजार का कोई काम कर सके। चलिए बाजार के नेता की तलाश है, बाबू जी क्या कहेंगे, बाजार में अपना नेता चुन लिया है? बिल्कुल चुन लिया है। अच्छा, हमारे लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री सब कुछ संजय गिरधर है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ युवा साथियों को भी राय लेने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है आपको नजफगढ़ के बाजार ने इस बार अंगड़ाई ली है? बिल्कुल ली है जी, और ये जो खड़े हुए हैं सामाजिक आदमी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में कोई भी समस्या आती है तो उसका हल निकालने के लिए ये अपने आप ही पहुंच जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं। चलिए अनेक समस्याओं की बात करें, नजफगढ़ बाजार की बात करें या समस्याओं की बात करें, तो लगता है आपको आपके बीच का ये चेहरा इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? संजय भाई हमारे बाजार की जुड़ी हुई बिल्कुल जड़ से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानते हैं, हमारे भाई हैं आज से नहीं शुरू से ही, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हर समस्या का समाधान संजय भाई के पास। चलिए व्यापारियों ने इस बार मन बना लिया है, व्यापारियों ने और एकजुटता स्पष्ट नजर आ रही है। विभिन्न जो बाजार लगते हैं, चाहे राम बाजार की बात करें या अन्य बाजारों की बात करें, वो तमाम जो प्रधान हैं प्रतिनिधि हैं आपको यहाँ एकजुट एक छत के नीचे नजर आएंगे, और संजय गिरधर पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। संजय गिरधर पर जताया हुआ यह विश्वास नजफगढ़ के व्यापारियों की समस्याओं को कितना दूर कर पाएगा यह भविष्य बताएगा। एक बार फिर से संजय गिरधर से जुड़ेंगे। संजय भाई बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर, इस बार पूरे बाजार की निगाहें आपके ऊपर है, तमाम जो समस्याएं हैं बाजार के व्यापारियों को लेकर के, या 70 गांव यहां से जुड़े रहे हैं इस बाजार से, वहां आने वाले लोग जो खरीदारी करने के लिए आते हैं, या तमाम इस तरह की समस्याएं हैं, उसके लिए आप कितने तैयार हैं, कितने मजबूत हैं? देखो मैं पहले ही ऑलरेडी बाजार से पूरी जिम्मेदारियां निभाता हूं, ठीक है, इलेक्शन में पॉलिटिक्स में शामिल हो रहा हूं, बट मैं बहुत सालों से समाज के सारे कार्यों में लगा हुआ हूं, और मैं सारे गांव से 36 बरादरी से सबसे जुड़ा हुआ हूं, गौशाला हर गांव से हर सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, वो अलग बात है कि इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बट बाकी मैं सारे कार्य 20 साल से करता आ रहा हूँ, लोगों के सुख दुख मंदिर गुरुद्वारे जो मेरे से हो सका वो करता आ रहा हूँ। पॉलिटिक्स में आज ज्वाइन कर रहा हूँ जी, आज जा रहा हूँ, लेकिन ये सारे कार्य मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। चलिए इन तमाम समस्याओं का रास्ता भी राजनीति से होकर के ही गुजरता है, आप लोग जानते हैं कि राजनीति में आने के बाद ही जिन समस्याओं का बेहतरीन समाधान करा पाने की ताकत जुट पाती है। बात करेंगे, क्या लगता है आपको इस बार क्या नजफगढ़ के व्यापारियों की एकजुटता अपना प्रत्याशी चुनने में कामयाब हो पाएगी? संजय भाई को इस बात की बहुत बधाई देता हूँ कि आप पार्टी को आज ज्वाइन करने जा रहे हैं जी, और इन जैसा समाज से भी ये हमारे साथ गौशाला संस्था में भी जनरल सेक्रेटरी के नाते कार्य देख रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत अगर एक मैं उदाहरण देना चाहूँ, मैं गौशाला संस्था में सेक्रेटरी के दायित्व पर था, किसी गौशाला कार्य से मैं कहीं जा रहा था, मेरी दुर्घटना में मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा एक पैसा जो है कहीं खर्च नहीं होने की, सारा संजय भाई ने जो है उसका खर्चा बना, उनकी समाज सेवाओं से बहुत प्रभावित है क्षेत्र में, जैसे मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ और भगवान का पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, और आज से 12 साल तक तटीय शिक्षा के प्रचारक जन में। तो ये तो एक अजीब सा संयोग हुआ भाई साहब के, संजय गिरधर जी आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं और आपकी विचारधारा भाजपा से प्रेरित है। देखिए मैं एक और बात पे थोड़ा कहना चाहूंगा, थोड़ा अगर आप मुझे समय देंगे जी, तो हमारा ये जो बाजार में जो पंजाबी समाज है इसको आज तक की जो एक बाजी पड़ता वो मिल ही नहीं पाया है। अगर हमारे जो पंजाबी समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं 1947 के विभाजन में जो यहाँ आए, इन बुजुर्गों की मेहनत को अगर देखें तो बुजुर्गों की कमर को एक हमारे हाथ में कहते आटन पड़ जाती है, इन्हें बोरियाँ ढो ढो करके जो इस सतर तक ये पहुँचे हैं, आज इनका वाजिब हक है और हम उस हक के साथ इनके साथ संघर्ष करना बाकी। चलिए नजफगढ़ की अंगड़ाई है, बाजार ने इस बार अपना प्रत्याशी चुनने का काम किया है, मोहर लगाई है एक ऐसे समाज सेवी पर जो सभी 36 बरादरियों सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की अपनी अहमियत रखता है, और ऐसा चेहरा आज उन्होंने चुन लिया है संजय गिरधर का। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे, हमारी मुलाकात हुई और हमने जाना कि किस तरह से ये नजफगढ़ वासियों की उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं तमाम वो चेहरे
हैं जो नजफगढ़ के खास चेहरों में गिने जाते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है और एक तरफा समर्थन आज यहाँ संजय गिरिधर को दिया है। सबसे बड़ी बात जो आज देखने को मिली है, जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि तमाम जो बिरादरियां हैं पार्टी लेवल से ऊपर उठकर इस बार नजफगढ़ की क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ना चाहती है, एक ऐसे चेहरे को अपने बीच में से प्रत्याशी बनाना चाहती है जो विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि नजफगढ़ बाजार की है एकजुटता क्या राजनीति में एक मिसाल पेश करने जा रही है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने बीच के चेहरे को राजनीति में लाने का उनका यह प्रयास नजफगढ़ क्षेत्र के व्यापारियों और वार्डवासियों की समस्याओं का कितना समाधान करा पाएगा इसकी भी शुरुआत नजफगढ़ वार्डवासियों ने कर दी है। तो अंत में संजय भाई क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम हमारे दर्शकों को जो चैनल देख रहे हैं, कितने मजबूत हैं आप और कितनी तैयारियां हैं? देखो मैंने तो पहली बार ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मैं कभी इसमें भी नहीं आया था, ठीक है, मैं नेताओं के साथ रहा, उनकी हेल्प करता रहा और अब इस बारी मैं पहली बार आया हूँ और सबके सहयोग से मैं अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मेरे साथ पूरा शहर सारी बरादरी इलेक्शन लड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके सहयोग से मैं सारे कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ और सबके सहयोग से मैं अकेला कौन सा नहीं बनूंगा, अगर मैं बनूंगा तो मेरा सारा शहर ही निगम पार्षद होगा। बस हो गई, बहुत रही बहुत।